ये एक नया गेम डाउनलोड किया है एक्वेरियम डिजाइनर, तो आज इसको एक्सप्लोर करेंगे। सूदिंग गेम लग रहा है, इसको कैंपेन मोड में खेल सकते हैं और खुद का एक्वेरियम भी डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले कैंपेन मोड देखेंगे। तो इसमें नए ईमेल्स आएंगे और जॉब्स आएंगे, इसको फिर कंप्लीट करना है और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं। तो इसमें अलग अलग फिशेस हैं, प्लांट्स हैं, हार्डस्केप है, रॉक्स, रूट्स, डेकोरेशंस, ग्रेवल एंड सैंड और बाकी यूटिलिटीज़ है जैसे फिल्टर्स, फिल्टर के स्पॉन्ज एक्सेट्रा। काफ़ी डिटेल लग रहा है। हीटर्स, रेगुलेटर्स, अपीयरेंस, फीडिंग प्लांट्स में भी हर प्लांट का ग्राफिक और उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन। जैसे ये कॉमन प्लांट है अमेजॉन स्वॉर्ड, साउथ अमेरिकन प्लांट, मोस्टली फाउंड इन ब्राज़ील, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्वेरियम प्लांट्स, इजी टू मेंटेन प्रोवाइडेड द राइट वाटर कंडीशंस आर गिवन, आइडियल प्लेसमेंट इन फिश टैंक मिड ग्राउंड। मलाबार पफर फिश, सारे फ्रेश वाटर फिशेस लग रहे हैं, सॉल्ट वाटर भी रहेंगे शायद। नहीं, ये एक्वेरियम डिज़ाइनर अभी तो फ्रेश वाटर का ही है, इसका एक नया वर्जन आने वाला है जिसमें सॉल्ट वाटर एक्वेरियम्स भी रहेंगे। ब्लू डिस्कस स्पीसीज, नेटिव टू साउथ अमेरिका, यूजुअल प्लेस इन द टैंक मिडल लेवल्स, suitable for both single species and community aquariums, should be kept in groups of 5 or more for their personalities to develop, care level is intermediate. Spotted blue eye, to pehla email dekhte hain. It's Uncle Joe, I've read a bit about your fish keeping and it turns out I'm really interested by it. Mary and I have decided we would like to have one in our living room, something nice to show off in front of our friends. If you know what I mean, are you available for this job? We want it to be placed on our cupboard, but this time it can be bigger, not too tall. We want to have a nice view of the garden. More plants than fish. I am hardly an expert and I fear won't be able to handle a lot of them. Looking forward to your reply. Best regards, Joe. So, your first task here is objectives hai. Ek granite rock place karna hai. Any three plants, any two fishes. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एनी डेकोरेशंस। तो चलो ये जॉब चालू करते हैं। क्लिक टू प्रीव्यू द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लीट द मिशन। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं। टू कंप्लीट द मिशन वी नीड अ रॉक विच कैन बी फाउंड इन द स्टोर। फिनिश ऑर्डर, व्हेन यू कंप्लीट द मेन ऑब्जेक्टिव्स यू कैन टर्न इन द असाइनमेंट। ठीक है, तो पहले एक रॉक सिलेक्ट करते हैं, इसको 8DSW ए प्रेस करने से लेफ्ट, डी प्रेस करने से राइट, WS। अच्छा, टैंक में ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो ठीक है, बीच में एक रॉक लगाते हैं। और ई और क्यू से साइज कम ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, बाकी क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे? पीएच लेवल 7 दिखा रहा है। ऑब्जर्वेशन टूल इन्फॉर्मेशन, लेफ्ट क्लिक करके मूव कर सकते हैं, स्क्रोल व्हील से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और राइट क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं, पूरा व्यू भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया। बी एनी प्लांट्स, तो थ्री प्लांट्स, तो ये वाला प्लान ट्राई करते हैं। क्यू और ई से उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी मैं ये प्लांट प्लेस करने जा रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये? अच्छा, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मैंने एक प्लांट लगा दिया यहाँ पे, इसको पीछे लगा देते हैं। एक अमेजॉन स्वॉर्ड लगा देते हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अभी एनी टू फिशेस, तो कौन से फिश रखेंगे इसमें?
वो जो अंकल को ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो उनको एकदम इजी मेंटेनेंस वाले फ़िश चाहिए। चलो तो दो अल्टम एंजल फिश रख देते हैं। एन एग्रेसिव स्पीसीज दैट विल ऑफन बुली चेस अवे एंड इवन बाइट फिश स्मॉलर देन देम। अ वेरी डिफिकल्ट स्पीसीज टू ब्रीड। रिकमेंडेड ओनली फॉर वेरी एक्सपीरियंस्ड एक्वेरिस्ट। बाप रे, ये इतना चैलेंजिंग फिश है ये मेरे को पता नहीं था। टाइगर बार्ब, वेरी एक्टिव स्कूलिंग फिश। दे आर बिग इनफ टू अवॉइड attacks from other fish and at the same time they are small enough to successfully keep a school of their species. Best companions to pair tiger barbs with moving fishes. Lekin isko school mein rakhna hai aur abhi hum log ko do hi fish rakhne hain to abhi ye nahi rakhte. Abhi ye sword tail fish rakhte hain. A species found in Guatemala and southern Mexico can be kept with smaller fish expressing similar preferences. A territorial species which needs plants and roots to mark its territory. Usual place in the tank middle levels. Care level easy hai iska. To chalo isko select karte hain. Acha, aise upar se jump marna hai. Okay. So do fishes ho gaye aur ek extra requirement thi place any डेकोरेशन देख कुछ भी कौन सा अच्छा लग गया। आई थिंक ये वाला अच्छा लग गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये ठीक है। ऑब्जेक्टिव कंप्लीटेड। तो अभी सब ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए और ये फिश टैंक रेडी हो गया। जो ये अंकल जो ने अपने कबर्ड पे रखा है अभी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टूल है तो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन टूल में बाकी सब कुछ ऑफ हो गया है। ये सब बस सिर्फ आराम से बैठ के एक्वेरियम देख सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना। ये रॉक थोड़ा छोटा होना चाहिए था लेकिन ये ऐसा भी अच्छा लग रहा है। ये फिश ऊपर इसको कवर नहीं है तो ये फिश अगर जंप मारेगा तो सीधा नीचे फ्लोर पे गिरेगा। इसको कवर रहना चाहिए लेकिन ठीक है। चलो इसको सबमिट कर देते हैं। फिनिश। ओपन क्रेट टू सी अनलॉक न्यू आइटम्स। क्या अनलॉक हो गया? अच्छा ये सब कुछ अनलॉक हो गया अभी। और गो टू ऑफिस क्या है? अच्छा ऑफिस मतलब ये ईमेल वाला सिस्टम। तो इसमें इनबॉक्स में तीन ईमेल आए हैं। इन प्रोग्रेस, आर्काइव। तो आर्काइव में ये चला गया जो जॉब कंप्लीट किया है। अभी नया ईमेल आया है johnson@mail.com। टुडे इज़ माई सन्स बर्थडे विच आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट। I promised him an aquarium for his dreams. अच्छा soothing game है। और अभी ये मोड है कैंपेन वाला। अभी माय एक्वेरियम्स मोड में ऐसे लिस्ट ऑफ एक्वेरिया है। ये खुद के एक्वेरियम बना सकते हैं इसमें। एक्वेरियम नंबर सो एंड सो। और इसको वेकेशन मोड भी दिख रहा है। टर्न दिस ऑप्शन ऑन इफ यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम चेकिंग योर टैंक एवरी डे। अच्छा तो गेम चालू है कि नहीं है ये एक्वेरियम को मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर शायद इस एक्वेरियम में रियलिस्टिक मोड और कैजुअल मोड ऐसे दो मोड्स हैं। तो रियलिस्टिक में सिमुलेशन स्टाइल मोड इज़ फॉर दोज हु एंजॉय द चैलेंज। फिश एंड प्लांट्स कैन डाई एंड वाटर क्वालिटी डिटीरियोरेट्स विद टाइम इवन व्हेन द गेम इज़ नॉट एक्टिव। वाओ, तो ये एक्वेरियम को मेंटेन करना पड़ेगा। और कैजुअल मोड में क्रिएट योर ड्रीम एक्वेरियम विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट मेंटेनिंग इट। फिश एंड प्लांट्स कांट डाई एंड द वाटर नेवर गेट्स डर्टी। वाओ, कैजुअल टाइप का जो प्ले है वो रियल एक्वेरियम में बन पाता कि एक्वेरियम हमेशा साफ रहेगा, कभी गंदा होगा ही नहीं, तो कितना अच्छा होता था। रियलिस्टिक लेवल भी अच्छा लग रहा है। अभी इसमें मीडियम, बिग, ह्यूज सब साइजेस क्रिएट कर सकते हैं। एक्वेरियम को नाम देख के एक एक्वेरियम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा गेम है ये एक्वेरियम डिज़ाइनर।
That's it for today. Bye bye and take care.